लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अरे चल आप लोगों को चैलेंज क्यों करोगे दबाई करके? अरे चल आप जब हम लोग जो आप लोग क्या करोगे यहाँ बैठे हो बढ़िया पास करा गया। इससे पहले जो नक्शा पास था वो ADM के द्वारा पास किया गया था राज्यपाल प्रदेश सरकार द्वारा। हमको ये जमीन अलॉटमेंट हुई थी 17,000 रुपये डिविडेंड हमने जमा कर था तब पता चला। ठीक है सर। उसके बाद सब उन्होंने मौके पर आकर के पुराना नक्शा जो था उन्होंने कहा भैया अब यहाँ पर तुम्हारे हाथ जो लॉक हो गया है लिहाजा आपका पुराना नक्शा रख दिया था। आप दो तीन शटर खुले जाके बड़े वाले काम तो वो इस कोने में कर रहे हैं ना, बाकी तीन दुकानें क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे पीछे? लेकिन ये डिवाइडर तो सब तो बाद में लगा हुआ, डिवाइडर के तुमने 2-3.5 फुट इधर पे दबा के बना रखा है। अच्छा डिवाइडर इधर आ गया। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सौरभ डायरीज में। और अभी मैं हूँ हल्द्वानी की मेन मार्केट में और यहाँ पे लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो कार्रवाई चल रही है लाइव देख सकते हैं आप लोग, बुलडोजर आ रखी है और फिर भी तस्वीरें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए तो इस टाइप से काम चल रहा है और सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इधर पे मौजूद है इस वक्त। और क्या हाल बड़े बड़े? अरे लाइव कर रहा हूँ चला दो। सर कितने बाद में आपको कागज अभी यहाँ पे सीधे तरीके से बिल्डिंग में जो दुकानें हैं दो मंजिले में पूरा एरिया साफ करा जा रहा है क्योंकि बिजली के पोलों में दिक्कत आ रही है उससे शिफ्टिंग में। इस टाइप से अतिक्रमण के खिलाफ लाइव कार्रवाई चल रही है हमारे हल्द्वानी शहर में देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं सीधी तस्वीरें आप लोगों को कालाडूंगी रोड से दिखा रहा हूँ। हमारे सामने पे है कालूसाई मंदिर आप लोग देख सकते हैं और आगे जो रोड जा रही है नैनीताल रोड को नैनीताल पहुँचेगी और इधर से सीधे हम लोग बरेली जा सकते हैं और यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। ये देखिए जितना भी लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो सारी JCB मशीन्स जितनी भी होती है जो भी इस काम में सहयोग करेगी वो सब पहुंच चुकी है और अभी लेबरों की मदद से ऊपर हाथों से उनके तोड़ा जा रहा है देखिए वर्क उनका। और अभी आगे और कार्रवाई मैं आप लोगों को दिखाता हूं और दुकान मालिक से हम बात करेंगे उन्होंने क्या कहा वो भी देखिएगा आप लोग, तो वीडियो में बने रहिए। तो इस टाइप से सरकार का एक्शन चल रहा है, सख्त कार्रवाई चल रही है। सीधी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ हल्द्वानी से। और अभी कुछ इस टाइप से जाम लग गया है इधर पे।
सीधी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, हल्द्वानी बीकानेर स्वीट्स के पास से, बीकानेर वाला है आसपास, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने साफ कह दिया है कि जो भी आप लोगों का सामान है वो आप लोग हटा लीजिए, हम इसमें कोई भी रिलीफ नहीं देंगे अभी। तो देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। तो इस टाइप से बिल्डिंग में सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ये देखिए धड़ल्ले से बिल्डिंग पूरी नीचे, जितना भी बहुत तेजी से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है हल्द्वानी में। तो सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो भी मेजरमेंट ली गई थी उसमें 12 मीटर आ रखा था एरिया, जितना भी रोड से, दोनों साइड से रोड के, इस साइड भी और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड से आना है, और ये 12 मीटर के दायरे से थोड़ी आ रही है, तो इसका थोड़ा पोर्शन दुकान का जाने वाला है। तो देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है, मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए आप लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ पूरी कार्रवाई जो जो हल्द्वानी में घटित हो रही है। तो वीडियो में नए आए, चैनल में नए आए, तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी सिटी में आज बात चल गया। लाइव कार्रवाई में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए आप लोग, और ऐसे ही आप लोगों को डेली जितनी भी न्यूज़ है मिलते रहेगी हल्द्वानी शहर से रिलेटेड और आसपास जो भी चल रहा है हमारे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अब सरकार ने अपना रुख बदल दिया है, अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है, और जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसे जल्द से जल्द हटाया जाएगा, जैसे डीएम साहिबा ने भी बोल रखा है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, और उसके बाद रोड चौड़ीकरण का काम जितना भी है वो बहुत जल्द ही निपटेगा। तो सीधी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, कालूसाई मंदिर के करीब 2-3 दुकानें आगे है, पहले अपना बाजार वाली बिल्डिंग जो पूरा प्लेन एरिया दिख रही है वो टूटी, अभी वाली बिल्डिंग की बारी आ रखी है, अब देखते हैं कितनी टूटती है। तो अब देखिए आप लोग जो दुकान के मालिक है वो क्या कह रहे हैं, तो मैंने वीडियो आगे डाल रखी है। पास करा गया, इससे पहले जो नक्शा पास था वो एडीएम के द्वारा पास किया गया था राज्यपाल सरकार द्वारा, हमको ये जमीन अलॉटमेंट हुई थी 17,000 रुपये लैंड हमने जमा कर था, सब पता ठीक है सर। उसके बाद सब उन्होंने मौके पर आकर के पुराना नक्शा जोता, उन्होंने कहा भैया अब यहाँ पर तुम्हारे हाथ जो ब्लॉक हो गया है, लिहाजा आपका पुराना नक्शा रख गया था, आप नया नक्शा बनवाइए। तो उनके मुताबिक वो आए श्री भटनागर जी मुख्य सामने आ करके उन्होंने पूरी ज़मीन की फमाइश ली, सड़क का फमाइश करा और नाली की फमाइश लेकर के पूरी अच्छी रही, उन्होंने विधिवत रूप से मैं यहाँ से आप 12 फुट यहाँ पर आप 10 फुट का सेटबैक छोड़ के बनाइए, हमने 10 फुट के सेटबैक में 12 फुट का सेटबैक छोड़ के बनाया है इस बिल्डिंग को जी, और जो 2.5 फुट एक्स्ट्रा छोड़ा था हमने,
तब उसको बनाने के बाद नक्शा हमारा अनुज्ञा स्वीकृति प्रमाण पत्र हमको उसका नक्शा पास करके दिया गया है। आपके पास है सर? सब है हमारे पास, सब हमने हमने इनको सब दे दिया। इनको हमने नोटिस आपको दो बार मिले? नोटिस हमको नहीं मिला, नोटिस आज तक हमको कुमाऊं उत्तराखंड ट्रेनिंग मोटर वाहन समिति के नाम से कोई नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन वो तो कह रहे दुकानदारों को नोटिस, दुकानदारों को नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं होता है। और दुकानदार के नोटिस के बिहार पे फिर मैंने इनको जॉब कर दे दिया था, मैंने इनको समय दे दिया था, आपने जवाब दियो ये बात मैंने आप हाँ मैंने नगर निगम की सारी चीज़ें दे रही थी इनको। मैं नगर निगम की पहली मीटिंग में कहता कि सौंदर्यकरण शहरीकरण में हम पूरा साथ देंगे, पूरा समर्थन करेंगे, लिहाजा आप हमारी बात सुनिए। इन्होंने उसके बाद भी हमको नोटिस नहीं दिया। अच्छा आप सर अदालत तो नहीं गए ना इस बीच? हम अदालत जब इन्होंने कहा था कि तुम्हारा बेटा सब सुलझा के देख लेंगे करके, आपने लिहाज किया कि मतलब लिहाज करा अदालत में ना घसीटा जाए, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम गारंटी अवार्ड नहीं हम सॉरी हम इसकी तुम्हारे ये जो हमारी जो नक्शा था आगे जो पास था हमने सुना हम आएंगे ही नहीं दायरे में। जब डॉक्यूमेंट का भरोसा था? वो डॉक्यूमेंट पर भरोसा था। ये डॉक्यूमेंट किस तरह के सर आपके? डॉक्यूमेंट ये मैंने इनको जो नोटिस दिया था, इनको जो मैंने सबसे कागज दिए थे, सारे कागज मैंने इनको दिए थे, उसमें एक एक चीज मैंने इनको दे रही थी। ये मैंने ये दिया था, मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया था, सिटी मजिस्ट्रेट को कॉपी करी, अधिशा जी इनको कॉपी करी थी। हाँ ठीक है सर, ये इनको रजिस्ट्री डाक से भेज रखा था। मतलब आपने नोटिस का जवाब दिया? नोटिस का जवाब दिया, लेकिन मैंने नोटिस के जवाब से मतलब नहीं हुए होंगे ना। मैंने अशोक चौधरी जी को भी मैंने दिया था ये, मैंने कहा हमारा जमीन जो है नक्शा आरबीएफ के अनुसार पास है। ये इनका जो जेई था वो कह रहे हैं आरबीएफ क्या होता, कह रहे हैं उनका आरबीएफ के बारे में एबीसीडी पता ही नहीं है, जेई गए हूँ, जबकि आरबीएफ क्या होता करके जो आईएएस ऑफिसर प्रदीप भटनागर जी जो पूरा का पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अब तो फिलहाल सर मैं आ गया, पूरा प्रदीप भटनागर जी पूरे डिपार्टमेंट को तहसील को लेकर नगर पालिका को लेकर के और तुम्हारे सब डिपार्टमेंट लेकर के पूरा मौके पे मैच करके नाप करके हमको दे रखी है उन्होंने। मुख्यमंत्री ने 23 मीटर के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 मीटर मतलब थोड़ी हम 12 मीटर ही छोड़ने को तैयार है। लेकिन ये डिवाइडर तो सब तो बाद में लगा हुआ, डिवाइडर के तुमने 2.5-3 फुट इधर पे दबा के बना रखा है। अच्छा डिवाइडर इधर आ गया, डिवाइडर पे तो दबा के बना रखा है। डिवाइडर अपनी जगह होता तो आपकी जगह पूरी पक्की थी बिल्कुल। अभी कितनी जा रही है सर? 2-3 फीट जा रही है सर। अभी तुम्हारा 8-10 इंच जा रही थी, हमने कहा हमको समय दे दिए, नहीं तो पिलर करके कला करके बनाएंगे इसको। हाँ ये ऐसे नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग हमारी गिर जाएगी। लेकिन ये लेकिन वो तो दीवार के हिसाब से तो करीब 2-2 फीट तो बाहर दीवार में लग रही है और दीवार की फिट की आप इस फुट के देखिए 1.5-2 फुट तक खंभा निकल जाएगा सर। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, मुझे ये बताइए 1.5 फीट की तो आपकी दीवार है और 1.5 फीट ये आगे बाहर निकला हुआ है, ये देखिए 3 फीट हो गया उस हिसाब से, उस हिसाब तो 3 फीट हो गया ना सर। 3 फुट नहीं सर, ऐसा है कि हमारा जो था ये 45 फीट का दीवार हमारा, हमने 10 फुट का सेटअप छोड़ रखा। अभी आप क्या करेंगे बताइए सर? अब क्या करेंगे सर, कल को हमारा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वकील साहब आएंगे, वो तब यहाँ पर आकर के सर्वे वर्वे करेंगे, इसकी सर्वे करने के बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से अशोक चौधरी जी को भी नोटिस दे वो कागज देकर रिसीविंग करा रखा है और सिटी मजिस्ट्रेट को रिसीविंग करा रखा है, डीएम साहब को भेज रखा है, और वो जैसे भी कहेंगे वही करेंगे, हम क्या करते हैं। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुकान के मालिक साहब जो बता रहे थे वो मैंने आप लोगों को सुनाया, और तो लाइव कार्रवाई चल रही है और जो भी चल रहा है मैंने आप लोगों को दिखाया, दुकान के मालिक साहब जो कह रहे थे वो सब मैंने आप लोगों को सुनाया है उनकी जुबानी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं से एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये लोग मना कर रहे हैं, ये लोग नहीं, ये हटान बच्चा निकल रहे हैं, तो पूरा मिनट से बात करें।